कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है श्वेता के न्यू ब्लॉग में। तो जैसा कि मेरा 9 मंथ कंप्लीट हो चुका है और क्या हूँ आप सबके लिए जेंडर प्रेडिक्शन की वीडियो। तो चलिए, कैसा है कैसा नहीं, क्या आप लोग वीडियो को बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मुझे क्या होगा क्या नहीं होगा सेंटेंस बताएंगे मेरे। तो मैं बता दूं कि आप सब से, जैसा कि लोग बोलते हैं कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और आप एक्टिव रहते हो तो आपको बेबी बॉय होगा। तो मैं हमेशा से एक्टिव रही हूँ पूरी प्रेगनेंसी में, और मेरा 9 मंथ कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत लेजीपन अब हो रहा है, वो सबको होते हैं इतना ज़्यादा। तो मुझे ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि लोग बोलते हैं अगर आपकी ब्यूटी चली जाती है, डल हो जाती है, तो आपको बेबी बॉय होता है। और अगर आपकी ब्यूटी क्लीन हो जाती है, ग्लो करता है चेहरा, तो ये आपको बेबी बॉय होता है, गर्ल होती है। तो मेरा चेहरा जैसा था वैसा ही है, तो ये मतलब ये बेबी गर्ल हो जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर आपके हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आपकी ब्यूटी हैंड्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्लीन और हेयर्स भी है शाइनिंग हो गए हैं, तो ये बेबी गर्ल हो जाता है। और सिम्टम्स होते हैं और ये सब डल होता है और हेयर फॉल्स होते हैं, तो ये बेबी बॉय हो जाता है। तो मेरा ऐसा नहीं है, मेरा हेयर फॉल्स हो रहे हैं तो ये बेबी बॉय हो जाता है, ठीक है। बहुत से कि अगर आपको स्वीट की क्रेविंग हो रही है तो आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। और अगर आपको स्पाइसी खट्टी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो इस बार मेरे क्या हुआ कि मैं ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही है मुझे। मैं इतना कि मतलब चाय बन रहा है हमारे घर पे तो सब मीठे कम पीते हैं, तो और मैं उसमें शक्कर मिला के पीती हूँ, तो मुझे मीठे की क्रेविंग होती है। तो ये पॉइंट जाते हैं बेबी गर्ल को। बहुत लोगों का मानना है फ्रेंड्स कि अगर आपकी स्ट्रेट लाइन जाती है, ये नाभि लाइन यहाँ से ऊपर से नीचे तक नाभि तक की, तो स्ट्रेट होता है तो वो बेबी बॉय होता है। अगर आपका जिग जैग है तो बेबी गर्ल होती है। तो मेरा इस टाइम जो है वो डार्क है और स्ट्रेट है, तो ये बेबी बॉय को जाता है। और सबसे पहली बात, जो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें जो हार्ट रेट होता है बच्चे की, तो उससे पता चलता है। तो मेरा फर्स्ट में 150 और अभी का जो मेरा है 173 है। सो 9 मंथ वाला, तो ये बेबी गर्ल हो जाता है। तो यही सब थे कुछ सिम्टम्स वीडियो को। तो ये सब प्रेडिक्शन थे जो कि सिम्टम्स मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो को लाइक वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे बेबी बर्थ ब्लॉग को देखने के लिए मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा डिलीवरी हो, कभी भी हो सकता है क्योंकि ओवर टाइम हो रहा है अभी और पेन नहीं हो रहा है, तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।